प्लास्टिक सर्जन दोस्तों हमारे साथ हैं बिल्कुल आकाश जी। आकाश जी को क्या है, ईयर में प्रॉब्लम थी है, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो इन्हीं से जानते हैं कि इनकी कैसी जर्नी रही, कैसा इनकी प्रॉब्लम थी, फिर अभी ये कैसा फील कर रहे हैं। आकाश जी बताइए, आपकी कान की क्या प्रॉब्लम थी? जी सर, मेरे कान के पर्दे में बोलता सर, और जो बोलते हैं ना सफ़ेद दाग है, उस टाइप का कुछ था सर। तो उसके लिए मैंने आपकी वीडियो देखी सर, उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट किया, वीडियो कॉल पे भी सर आपसे बात हुई, फिर आपके यहाँ अपॉइंटमेंट लिया, मैं आया यहाँ पे, फिर मैंने आपने सर जो इसका ऑपरेट किया था, बहुत मतलब अच्छा लगा यहाँ पे आके। पर और डॉक्टर सर साहब ने जब आपको बोला कि इसका ऑपरेट होगा तो आपको थोड़ा सा ऐसा डर नहीं लगा कि यार पता हाँ नहीं वो तो क्या? सर डर तो लगेगा ही ना, फिर पता चला कि जैसे मतलब बिना टाके के भी लग सकता है, हो सकता है ना, फिर उससे थोड़े से सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि मैं ना सर आर्मी की और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो उसमें क्या रहता है सर कि अगर टाका लगेगा ना तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मेडिकल में, आपका कंसर्न बेसिकली ये था कि मेरा पीछे से कान के चीरा नहीं लगना नहीं लगना चाहिए। चाहिए बिल्कुल, यस एक्चुअली यही ठीक था है। सर। उसके बाद में सर आपके यहाँ आए ना तो मतलब फुली सेटिस्फाई सर, बहुत अच्छा है यहाँ पर, आपके तरफ से भी और आपका स्टाफ है ना बहुत अच्छा है यहाँ सर, मतलब मैं फुली सेटिस्फाई हूँ। आपको कोई यहाँ कोई परेशानी, कोई नहीं दिक्कत? नहीं आज कोई ऑपरेशन परेशानी के नहीं बाद आपका कान ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कान में अभी भी दिक्कत है, बेचारे आर्मी एस्पिरेंट भी हैं, एसएस भी हैं, तो बिल्कुल उनको क्या मैसेज देना चाहोगी अपनी तरफ मैसेज से? ये है कि मतलब मैंने जो करा, मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनली वो ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा ठीक अच्छा है, जो लोग भी आना चाहते हैं ना वो यहाँ पे आए, बहुत अच्छा है यहाँ पे। थैंक यू आकाश जी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि आप जहाँ पे भी सर्जरी या जो भी करा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें हमारे दिमाग से एक चीज़ निकाल देनी चाहिए कि कान का दूरबीन से भी इलाज संभव है। जैसे आकाश जी का हुआ है, कान में पीछे चीरा नहीं लगता, दूरबीन से उसका ऑपरेशन संभव है। दूसरी बात, इसमें कहीं डरने की जरूरत नहीं है, इलाज 100% सक्सेसफुल होता है। दूरबीन से जैसे आकाश जी का हुआ है, कान के पर्दे में चाहे सफ़ेद दाग हो चाहे कान के पर्दे में छेद हो, दूरबीन से उसका इलाज होता है। बट आप जहाँ पे भी इलाज करा रहे हो, चाहे यहाँ पे कराओ चाहे और कहीं पे भी, आप अपने चिकित्सक को बोल दो कि मेरे को आर्मी एयरफोर्स में जाना है तो आप मेरे कान के पीछे चीरा नहीं लगाएं, जिससे आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं हो। थैंक यू।